हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5.21 सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट डिस्क्राइब सम फीचर ऑफ द कैटालिसिस बाय जियोलाइट. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ जियोलाइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर फर्स्ट. तो बेटा जियोलाइट क्या होते हैं आपके? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं. दे आर से शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, फर्स्ट थिंग. लेटरली इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा हनीकॉम जैसा होता है. हनीकॉम में क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसी तरह से इस कैटलिस्ट में भी क्या होते हैं, इट हैज सो मेनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस. जो इसका सरफेस है जियोलाइट का, उस पर काफी ज्यादा पोर्स होते हैं. पोर्स होने से क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब होने के लिए. तो ये क्या करेंगे, ज्यादा सरफेस एरिया देंगे तो मोर एड्सॉर्प्शन, और मोर एड्सॉर्प्शन होगा तो एक्टिविटी भी क्या होगी, मोर होगी. उसके बाद ये क्या होते हैं, ये आपके एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं. क्या होते हैं, आपके एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं. तो हम कह सकते हैं जियोलाइट्स आर द हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट. एक्चुअली क्या होता है, ये जो पोर्स होते हैं इनमें पहले पानी भरा होता है H2O, तो हमें इसको इवेपोरेट करना पड़ता है. जब पानी उड़ जाता है तो हमें खाली जगह मिल जाती है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकेट इस तरह से जुड़े हुए होते हैं. विच हैव थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल इन देयर पोर्स. तो उसको हमें इवेपोरेट करना है. द पोर्स आर मेड वैकेंट बाय हीटिंग बिफोर कैटालिसिस. तो जब भी हमें कैटालिसिस करवानी है तो हमें ये जो पोर्स है इनको हमको वैकेंट करना होता है. तो हीटिंग करेंगे तो आपको पता है कि वाटर इजिली इवेपोरेट हो जाता है. तो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट. कि जो भी आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका शेप क्या है और उसका साइज क्या है. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन पोर्स ऑफ द कैटलिस्ट. कैविटी का मतलब यहाँ पे पोर्स से है. तो फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल से अगर हम हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर एल्कोहल से आपके हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं तो हमको किसका यूज करना है, यहाँ पे ZSM5 का यूज करते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द जियोलाइट. सो दिस इज द मीनिंग, दे आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट व्हिच क्रिएट द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिसिस मोर. तो आई ऑल्सो डिस्क्राइब वन ऑफ द कैटलिस्ट हेयर फॉर द एल्कोहल टू हाइड्रोकार्बन ZSM5.